राधे राधे आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस पोस्ट में आपके लिए आंवला नवमी की जरूरी पूजन सामग्री की जानकारी लेकर आए हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है। इस नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं पूजा करके संतान प्राप्ति का वरदान मांगती हैं। इस दिन आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर पूजा की जाती है। इस नवमी पर आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का भी विशेष महत्व होता है। पूजा की सामग्री में कुछ चीज़ों का होना बेहद जरूर होता है, इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तो आइए जानते हैं आंवला नवमी की आवश्यक पूजन सामग्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे फल, फूल, धूप व अगरबत्ती, दीपक व देसी घी, अनाज, तुलसी के पत्ते, कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, अबीर, गुलाल, चंदन का चूरा, नारियल, मीठे गुलगुले, पुए और शहद, दान की सामग्री, हरी श्रृंगार की सामग्री। और इन चीज़ों के अलावा कुछ अन्य चीज़ें भी हैं जिनका की पूजा में होना जरूरी है, और वो चीज़ें इस प्रकार से हैं। इसके लिए एक लोटा जल, कच्चा दूध, मौली, कच्चा सूत, एक ब्लाउज पीस आंवले के रंग का, सुहाली, गुड़, बताशा, आंवला, ऋतुफल, अगरबत्ती, माचिस, कपूर और चढ़ावे की चीज़ें आदि। तो ये थी आंवला नवमी की वो पूजन सामग्री जो कि पूजा में होना बेहद ज़रूरी है। अब हमें आज्ञा दीजिए, इस पोस्ट से स्वीकार कीजिए मेरा प्यार सहित नमस्कार। दोस्तों आपसे अपनी एक प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सिरोसिस सहित कई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलने की वजह से आवाज़ सही नहीं आ पाती है, जो कि पोस्ट में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये ठीक नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना साथ और सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप हमारा साथ और सहयोग अवश्य देंगे। इसके लिए आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।